मेरे कहने का मतलब ये है, पहली चीज आप देखिए, नुपुर शर्मा ने अगर कोई ऐसी चीज बोली हो जिसका उदाहरण दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई धर्मगुरु, चाहे वो मुल्ला हो या कोई और ज्ञानी इंटेलेक्चुअल हो, अगर न देता हो तब डेफिनेटली वो गलत है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, ना तो मैंने कुरान हदीस वगैरह पढ़ी हुई है। ये एक डिबेट का या जांच का विषय हो सकता है कि जो उन्होंने बोला क्या वो चीजें दूसरे लोग नहीं बोलते, दूसरी वीडियो अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर नुपुर ने बोला तो ये एक डोमेस्टिक मैटर है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप होना चाहिए कि अपने देश में ऐसे कौन से नेता हैं, ऐसे कौन से पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, जो इसको तुरंत यहाँ पे हुआ नहीं कि कहाँ से कहाँ तक वो उन्होंने पहुंचा दिया। उनके ऊपर भी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और मोरल जिम्मेदारी होनी होती है। आरोप कितना भी गंभीर हो नुपुर के ऊपर या किसी के भी ऊपर, उसका जो जस्टिफिकेशन होगा, जो न्याय होगा, एज पर इंडियन कोर्ट होगा, ना कि अमेरिका के कहने पे और ओआईसी के कहने पे होगा। वो दैट इज नॉट ओआईसी, उसकी कुव्वत को मैं जानता हूं। अब फ्रांस ने किया था और इन्होंने इनको जो उखाड़ना था वो उखाड़ लिया ओआईसी ने। अगर और देखना है ओआईसी की ताकत को तो जाके चाइना के उइगर में बात करिए, जहां पे कि वो भले ही ठीक है वो मुसलमान है लेकिन है तो वो भी इंसान ना, वहां जवान नहीं खुलती है। और अगर ओआईसी को करना भी था तो मैं आपको बताता हूं, हमारे हिंदू देवताओं की मूर्तियों के जो नग्न चित्र बनाए थे मकबूल फिदा हुसैन, जब वो यहां से भाग के गया था तो उसको नागरिकता और शरण देने वाला भी कुवैत या कतर था, दो में से एक देश था, तो क्या वो उस पर माफी मांगेंगे? आज तालिबान ने भी जो है ट्वीट किया है, लेकिन सब बेलाजों में उन्होंने किया है। तालिबान से जरा पूछिए, 100 चूहे खा के बिल्ली खाने चली तुम, हज करने चली हो तुम, बामियान में बुद्ध की मूर्ति को किसने गिराया था? तालिबान को शर्म है अपने पिट्ठू पे? आप ओआईसी से भी तो सवाल पूछना चाहिए, उन लोगों से भी तो सवाल पूछना चाहिए। मैं 500 घटनाएं आपको बताऊंगा। नहीं नहीं आप घटनाएं बताइए। या तो ओआईसी देखिए, या तो ओआईसी एक रिक्वेस्ट कर दे कि भाई हमें इस पे आपत्ति है, आप एज पर अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करिए, फोर्स न करें, इसको इंटरनेशनल इशू ना बनाए। इंटरनेशनल कोर्ट में लेके चले गए हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में लेके चले गए हैं तो ओआईसी को मैं बता देना चाहता हूं, इजराइल उनके सीने पे बैठा हुआ है, इसराइल उनके सीने पे बैठा हुआ है। रही बात फायदा और नुकसान की, तो वो भी किसी इकोनॉमिक डिबेट में कर लेंगे। ए के मिश्रा जी, आप किसी के पैरोकार बन के बैठी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, मैं किसी का पैरोकार नहीं हूँ, मैं इस देश का पैरोकार हूँ। मैं किसी की पैरवी, मैं जो लोग हिंदुस्तान अपने देश के लिए बोल रहे हैं कि माफी मांगे, जो भाजपा क्या करे मुझे मतलब नहीं, कांग्रेस क्या करे मुझे, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे कि भाई मोदी माफी मांगे, मोदी जी माफी मांगे, ठीक है आप प्रेशर बनाइए। मैं बोलता हूँ जब सरदारों का जो है, सरदारों के साथ अन्याय हुआ था तो माफी प्रधानमंत्री ने मांगी थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने मांगी थी, किसने मांगी थी माफी? और बात अगर देश की है, बात ये केवल अपने देश तक होती। हाँ भाई, कुछ लोग बोलते हैं नुपुर को करो, कोर्ट में मैटर जाता तो बात दूसरी है, बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, तो मैं कुछ देशों को मुखौटा दिखाना चाहता हूँ। जवाब ले लीजिए, शर्म है अपने किए पे। पवन दीक्षित के तरफ।